दोस्तों फॉरेन सेटलमेंट एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर इस मामले में बहुत गलत गाइडेंस देते हैं। देखिए बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की कोई भी बात करेंगे उनसे, या तो वो 12वां घर देखते हैं या एक फर्स्ट घर देख लेंगे अपन लग्न वाला, और अगर 12वें या फर्स्ट घर में आपस में लॉर्ड एक्सचेंज, या फिर लॉर्ड यहाँ बैठा हो, 12वें का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो, फर्स्ट का लॉर्ड 12वें बैठा हो, मोस्टली आपको इसी की वजह से बोल देते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट आपकी परमानेंट हो जाएगी, आप बस वो रत्न पहन लीजिए। देखिए ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में पहले तो बेसिक समझाऊंगा किन किन कारणों से आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, और फिर हम एडवांस्ड स्टडी भी करेंगे जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि असल में अगर कोई टॉप एस्ट्रोलॉजर है वो क्या यूज़ करके आपको ये बता सकते हैं कि क्या आप फॉरेन में सेटल हो पाएंगे या नहीं, और अगर हो भी पाएंगे तो किस कारण से सेटल हो पाएंगे। देखिए कई लोग पढ़ाई से सेटल होते हैं, कई लोग शादी करके सेटल होते हैं, कई लोग अपना बिजनेस सेटल करते हैं, कई लोग पूरी फैमिली लेके जाते हैं, फैमिली पीयर सेटल होती है, तो इन सब के अलग अलग कारण होते हैं कुंडली में। हम ये डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए आप, ये आपकी अगर कुंडली है, ये नाइन्थ हाउस माना जाता है। नाइन्थ हाउस हमारा कुंडली के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दर्शाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब क्या है कि अपने देश से आप बहुत दूर जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, सिर्फ ट्रैवलिंग। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट हाउस से फोर्थ घर, यानी कि आपके घर का घर, जो आपका घर है उसकी सिग्निफिकेंस हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, यानी कि आपके लग्न से फोर्थ हाउस। ऐसे ही अगर हम आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से चौथा घर काउंट करें, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड घर हो गया, थर्ड घर हो गया, फोर्थ घर हो गया, तो क्यों बोलते हैं कि ट्वेल्थ हाउस एक की सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है फॉरन परमानेंट सेटलमेंट के लिए, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस से फोर्थ घर है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जब आपका घर ही बन जाए तो आप परमानेंटली फॉरेन लैंड्स में सेटल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि आपके लग्न का लॉर्ड देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लग्न का लॉर्ड, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मर्करी हो गया फॉर एग्जांपल, और वो जाके 12th हाउस में बैठ गया, तो यानी कि आपका ये योग बन गया कि फर्स्ट लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठा है। कई लोग सिर्फ इसको ही मान लेते हैं कि हमारी फॉरेन सेटलमेंट पक्की हो गई। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब फर्स्ट लॉर्ड आपका 12th हाउस में जाके बैठेगा, ये अर्ज दर्शाता है, आपकी अर्ज है कि आपने बाहर जाके सेटल होना है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हो सकता है बाहर जाए और प्लैनेटरी पोजिशंस आपके फेवरेबल नहीं हो, आपको वापस आना पड़ जाए। इसी तरह से दूसरा सिनेरियो क्या है कि 12th हाउस का लॉर्ड, इस केस में 12th हाउस में वीनस लॉर्ड हो गया, वो अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए, यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया, आपको फॉरेन सेटलमेंट करनी ही पड़ेगी। कई लोग, मेजॉरिटी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फॉरेन जाना सेटलमेंट के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए पसंद नहीं होता, बट फिर भी किसी कारणवश उनको जाना ही पड़ता है। वो तब होता है जब 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आके बैठ जाए, तो फर्स्ट में आके अगर 12th हाउस का लॉर्ड बैठ रहा है, ये दर्शाता है कि आपको होना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। तो दोनों सिनेरियोस थोड़े डिफरेंट है। ये हमारे हो गए बेसिक्स। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप फॉरेन सेटलमेंट देख रहे हैं, आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजिकली फॉरेन लैंड्स क्या मानी जाती हैं। फॉरेन लैंड्स वो लैंड मानी जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके घर से बहुत दूर हो और वहाँ पे कंप्लीट कल्चर चेंज हो। सपोज करिए अपने आप पंजाब में रहते हैं, आप यहाँ से नेपाल चले गए, कंप्लीट कल्चर चेंज नहीं हुआ, बंदे वहाँ पे आपकी तरह की भाषा बोल रहे हैं, आपकी तरह का ही खाना खा रहे हैं। जब आपकी कंप्लीट कल्चर चेंज हुआ, आपका जो आप लैंग्वेज बोलते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो वहाँ पे बंदों का वे ऑफ लिविंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एस्ट्रोलॉजिकली सिर्फ हम इसको ही फॉरेन लैंड्स बोलते हैं। तो एक तो आपने ये समझा कि फर्स्ट और ट्वेल्थ हाउस का कैसा कनेक्शन होता है। नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि जो आपका नाइन्थ हाउस है, अगर किसी तरह आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड में आपस में परिवर्तन योग बन जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 नंबर राशि है, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ का लॉर्ड हो गया सन जो यहाँ बैठ जाए और वीनस यहाँ बैठ जाए, यानी कि इंटरचेंज ऑफ लॉर्डशिप हो जाए नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के बीच में, ये कहीं ना कहीं बहुत ईजी बना देता है आपके लिए फॉरन में सेटल होना, बहुत इजी बनाता है। बट फिर भी हमारे पास अभी गारंटी नहीं हुई। अब अगर हम गारंटीड किसी की प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, वो मैं कैसे करता हूं, मैं आपको ये समझाऊंगा। उसके लिए हमें थोड़ी सी एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। तो अगर हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि आप फॉरेन लैंड्स में सेटल हो पाएंगे परमानेंटली कि नहीं हो पाएंगे, वो हम कैसे करते हैं, मैं आपको ये समझाता हूं।
देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं अष्टकवर्गा। अष्टकवर्गा का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने हमारे पास 9 ग्रह होते हैं और उनमें से 2 होते हैं राहु और केतु। आपने 9 ग्रहों में से राहु और केतु हटा दिए, 7 ग्रह हमारे पास बच गए, उसके साथ आपने अपना लग्न ले लिया। तो अष्ट यानी कि अष्टक मतलब 8, तो 7 ग्रह राहु और केतु के सिवाय और 8वां आपका लग्न। जब ये 8ों ग्रह मिलके आपके हर घर को एक तरह से स्कोर देते हैं आउट ऑफ 8। देखिए आप जब अष्टक, आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, प्रशर लाइट या फिर कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसमें अष्टक वर्ग आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। उसमें क्या होगा, आपके हर हाउस के ऊपर कुछ ना कुछ स्कोर लिखा होगा, कोई ना कोई स्कोर हर हाउस में लिखा होगा। हो सकता है किसी का स्कोर 30 से कम हो, किसी का 20 हो, किसी का 25 हो, कोई भी स्कोर हो सकता है, इसको ना अष्टक वर्गा स्कोर बोलते हैं आपका। जब आपका आपने D1 चार्ट चेक कर लिया, उसमें कोई भी योग नहीं बन रहा फर्स्ट हाउस और 12th हाउस के बीच में या फिर 9th हाउस और 12th हाउस के बीच में, आपने अपना अष्टक वर्गा स्कोर चेक करना है फॉरन सेटलमेंट्स के लिए। अगर आपका 12th हाउस का अष्टक वर्गा स्कोर 25 या 28 से अबव है तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि फॉरन सेटलमेंट पॉसिबल तो ज़रूर है। अब किस कारण से फॉरन सेटलमेंट पॉसिबल होगी, आइए उसके ऊपर चलते हैं। देखिए अब जब हमें ये पता लग गया कि हमारे 12th हाउस का अष्टक वर्गा स्कोर अच्छा है, 28 से ऊपर है, यानी कि हमारी फॉरन सेटलमेंट तो पॉसिबल है इस लाइफ टाइम में। अब हमारे पास इससे एडवांस्ड स्टेप क्या आ जाता है बिन अष्टक वर्गा का। देखिए जो अष्टक वर्गा, फॉर एग्जांपल इसको 30 स्कोर मिला तो वो 8 लोगों ने मिलके दिया, राइट, 7 ग्रह और 8वां लग्न। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको सबसे ज़्यादा स्कोर किसने दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6-6 स्कोर अच्छे हैं, 7 स्कोर अच्छा है, तो सपोज करिए कि सबसे ज़्यादा स्कोर इसको 5th हाउस के सिग्निफिकेटर ने दे दिया जो कि मरकरी हो गया, फॉर एग्जांपल। तो अगर आपका 5th हाउस के सिग्निफिकेटर ने आपके 12th हाउस को सबसे अच्छा स्कोर दिया है, यानी कि बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के बेसिस पे आप फॉरेन लैंड्स में सेटल हो सकते हैं। दूसरा केस, अब सपोज करिए आपके 9th हाउस का सिग्निफिकेटर बिन अष्टक वर्गा स्कोर 12th हाउस को अच्छा दे दे, मोर देन 5 दे दे, तो यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बेसिस पे आप फॉरेन लैंड्स में सेटल होंगे। फिर देखिए सपोज आपके 7th हाउस के लॉर्ड ने बिन अष्टक वर्गा स्कोर अच्छा दिया 12th हाउस के लॉर्ड को, यानी कि आप शादी के बेसिस पे, पार्टनरशिप के बेसिस पे, मैरिज के बेसिस पे फॉरेन लैंड्स में परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। फिर देखिए अगर आपके 10th हाउस के लॉर्ड ने बिन अष्टक वर्गा स्कोर 12th हाउस को अच्छा दिया, यानी कि 10th हाउस का सिग्निफाई करता है आपका वर्क, यानी कि काम के बेसिस पे आप बाहर जा पाएंगे, बिजनेस के बेसिस पे, बिजनेस खोल के आप बाहर जा पाएंगे। इसी तरह 2nd हाउस का लॉर्ड दे दे या 4th हाउस का लॉर्ड दे दे, ऐसे लोग तब बाहर जा पाते हैं जब इनकी पूरी फैमिली की पीआर लगती है। तो आप ये देखिए कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आप ये देख के कि 12th हाउस का लॉर्ड कौन है, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, 1st हाउस का लॉर्ड कौन है, कहाँ कहाँ बैठे हैं, D1 चार्ट में बिल्कुल भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ इसके बेसिस पे रिंग स्टोन, जेम स्टोन बना देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको अष्टक वर्गा स्कोर देखना चाहिए 12th हाउस का, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांगली आप बाहर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और सेकेंडली बिन अष्टक वर्गा स्कोर, कौन सा ग्रह कितना स्कोर दे रहा है 12th हाउस को, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस रीजन की वजह से आप बाहर जा सकते हैं इस लाइफ टाइम में। ये थोड़ी सी एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी की वीडियो है, बट आई होप मुझे आपको समझाने में कोई गलती नहीं हुई होगी, मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है। ये जो बिन अष्टक वर्गा स्कोर और अष्टक वर्गा स्कोर आपको कोई ना कोई अच्छे सॉफ्टवेयर में मिलेगा, पेड सॉफ्टवेयर में मिलेगा एस्ट्रोलॉजी के, फ्री सॉफ्टवेयर में ऐसे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो आप डिटेल में आर्टिकल्स मेरी वेबसाइट astroindia.com पे पढ़ सकते हैं। हमने डिटेल में मेंशन किया कि कैसे कैसे आप अपनी खुद बैठे बैठे कुंडली चेक करिए फॉरन सेटलमेंट के लिए। मेरी वेबसाइट astroindia.com पे अभी जाके आप फ्री में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग फॉरन में सेटल होने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी सेटल्ड हैं, खुश नहीं हैं, देखिए जब व्यक्ति बाहर जाके खुश नहीं होता, वापस आना चाहता है, उसमें भी अष्टक वर्गा स्कोर देखा जाता है। हो सकता है आपका अष्टक वर्गा स्कोर अच्छा हो ही ना, बट 12th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा हो, तो आपकी एक तरह से डिफिकल्ट फॉरन सेटलमेंट होती है। जब आपकी डिफिकल्ट फॉरन सेटलमेंट है, हम दूसरे हाउसेस का अष्टक वर्गा स्कोर देखते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सूट करेगा।
अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा फोर्थ हाउस की स्कोर है, दैट मीन्स होम टाउन आपका, होम लैंड सबसे ज्यादा सूट करती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये डिटेल में पता लगा होगा कि कैसे फॉरेन सेटलमेंट सूट करेगी या नहीं सूट करेगी, हम देखते हैं कुंडली के अंदर यूजिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद।